पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में बच्ची को डांटने पर एक महिला टीचर को अजीबोगरीब सजा दी गई। दरअसल महिला टीचर को विशेष समुदाय के लोगों ने निवस्त्र कर पीटा। इतना ही नहीं, गुस्साए लोग स्कूल में घुस गए और टीचर को पीटना शुरू कर दिया। काफी देर तक हंगामा हुआ। पुलिस ने इस मामले के तहत 35 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जबकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि छात्रा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखती है। घटना हिली थाना क्षेत्र के त्रिमोहिनी प्रताप चंद्र हाई स्कूल की बताई जा रही है। यहां छात्रा कक्षा 9 में पढ़ती है। जानकारी मिली है कि 3 दिन पहले स्कूल में टीचर ने बच्ची को किसी बात पर डांट दिया था। अगले दिन छात्रा के घर वाले कुछ साथियों के साथ स्कूल में घुस गए। टीचर से अभद्रता की विरोध करने पर महिला को निवस्त्र कर दिया और जमकर पीटा। शिकायत पर एक्शन लिया गया है। वही मामले की सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और मामले को शांत करवाया गया। महिला टीचर के साथ हुई बदसलूकी की वजह से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिला। लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी उठाई है। इस मामले में पीड़ित महिला टीचर ने कहा कि छात्रा को अनुशासन में रहने के लिए उसने कान खींच कर डांट दिया था, लेकिन ऐसी घटना मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई। मुझे अब डर लग रहा है। वहीं बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने रविवार को संबंधित क्षेत्र का दौरा भी किया। उन्होंने महिला टीचर के साथ अभद्रता और मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।